engineering to this. और दोपहर में क्या पकाएंगे आप? कब्जा कर लिया हिंदुस्तानी फौज ने. क्या बनना चाहती हो? मेरा पति तो एमबीए है, डॉक्टर. ये तुर्तुक का दूसरा हिस्सा ब्रिज के दूसरी तरफ. खैरियत से हैं? अल्लाह करम, ठीक ठाक. आज कल सुबह जाएंगे, आज नहीं. आज सुबह सुबह सोचा टहल लें, सेहत के लिए अच्छा है. दुआ करिए आप भी. यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं अब वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं. खूबसूरत, ये सब कुछ नहीं था पहले, ये सब बन गया. अभी पूरा कमर्शलाइज हो गया है. ये देखिए, ये पहले जो था सिंगल स्टोरी था, अभी सब बन गया, ऊपर हो गया, पूरा बना दिया, पूरा तरक्की हो गया पूरे गांव का, समझे. अस्सलाम वालेकुम. ओह, काफ़ी तरक्की हो गया है यहाँ पर माशाल्लाह. पहले सिंगल स्टोरी था, सब ऊपर ऊपर बन गया. अस्सलाम वालेकुम. 3 साल के बाद मेरा आना हुआ. कैसे मिजाज है? ठीक ठाक हैं. ये पूरा सब पक्के मकान बनना शुरू हो गए. लेकिन जब तरक्की आती है तो जो मासूमियत है वो चली जाती है ना. ये कब बना? पता नहीं, इसी साल बना. आप लोग, आप कहाँ के हैं? जम्मू के. आप जम्मू के हैं, यहाँ काम करने आते हैं? कंपनी के. अच्छा अच्छा, ये पाइप है ना? ये ना इलेक्ट्रिक पाइप है ना ये तो? हाँ, इंसुलेट होता है, इस्तेमाल होता है, विद जाली पूरा करते हैं, पूरा घर घर में पानी. दिल्ली. हाँ, तो गांव वाले तो सो रहे हैं सब. 8-9 बजे. वही तो, जब जहाँ पर तरक्की हो जाती है ना, वहाँ लोगों की नींद बढ़ जाती है. वरना खुला आता है. बता, जम्मू से लोग इधर काम करने आ रहे हैं, बड़ी बात है. इसलिए इधर से बंद हो गया पूरा रास्ता. पतली पतली पगडंडियाँ यहाँ से वहाँ तक जाती हुई, और दोनों तरफ फील्ड्स. सुबह का भी एक अपना ही मज़ा होता है. ये अल्लाह, मुश्किल है. ये निकला है हम गांव के बाहर फील्ड से.
वाह, यहां से वो दरिया दिख रहा है। यहाँ पर मैंने देखा जितनी जो लेडीज हैं, बच्चियाँ हैं, वो फोटो को मना करते हैं, ऐसा क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्या परेशानी है इसमें? मतलब फिर दिमाग में कुछ ऐसी चीज है, ऐसा गलत होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग देखिए कितने दूर दूर से दुनिया में इधर उधर घूमते हैं, जाते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। और दोपहर में क्या पकाएंगी आप, दोपहर में खाने? दाल चावल सब्जी, थुप्पा भले, थुप्पा आप लोग खाते हैं? खाते। अच्छा, सवेरे सवेरे जो है जबरदस्ती की चाय जो है नमकीन वो मिल गई है, और ये बिटिया जो है हमारी वो चाय है। बेटा घर में दिल तो बड़ा है ना, बड़ा है ना, दिल बड़ा होना चाहिए। अरे वाह, बैठो बैठो बेटा, बैठो 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 बैठो। तो अक्सर ऐसा होता है कि बिन बुलाए मेहमान की तरह आप कहीं पहुंच जाते हैं और अपने आप को दूसरों पर इम्पोज कर देते हैं और मजबूरन उनको चाय और पेश करना पड़ता है। तो ये इसमें ये रोटी है गर्मा गर्म तवे पे बनी हुई, और इसमें यहाँ का देसी जो यहाँ का बना हुआ मक्खन है वो है। नमक की चाय के साथ उर्दू आती है? ये था ना, इसके नीचे देखो लिखा है, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। जंगल की तकलीफ के जंगल से आपके जो निकल आए, यूं तो नहीं सानी मां का कोई होता है, पर पाप का साया खुश किस्मत है जो पा जाए। हैं, आया समझ में? इसमें बताया है कि बाप जो है वो भी बहुत ज़रूरी होता है माँ के साथ साथ। बेटा हमारी यही दुआ है, आप तरक्की करो, फूलो फलो, माँ बाप का नाम रोशन करो, इस मुल्क का नाम रोशन करो। क्या बनना चाहती हो, बताया था तुमने? मेरा अभी तक एनडीए है। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, माशाल्लाह। अरे यार, आपको गाँव में जब जाएंगे तो ऐसे ऐसे ज्वेल्स मिलेंगे, हीरे मिलेंगे। चुबले, हाँ, कौन है? मेरी बहन है। किधर है? ऊपर। छोटी है बड़ी है? बड़ी है मुझसे। हाँ, वो क्या कह रही है? वो बर्तन धो रही है ना। बर्तन धो रही है, बुला रही है। अच्छा, तो हम आपके टाइम नहीं लेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू बेटा। ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ जो हैं, एक एनडीए में जाना चाहती है, दूसरी क्या करना चाहती है? क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। तुर्तुक में? हाँ। बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात और ख्वाबों को पूरा करे। खुदा हाफिज़। चलो भाई, खुदा हाफिज़ है। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत, लेकिन तरक्की जो है, इंसानी तरक्की, वो बिल्डिंग्स जगह जगह उगने लगी हैं। तो शुरू शुरू में जब मैंने यहाँ से खोला था, अभी अल्लाह का शुक्र है कि हमारा एरिया जो है थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, कोई सेल मैंने वहाँ पर ले लिया। खैर का मामला हो रहा है। जी जी, आप डिजाइन निकालने वाला है इसी तरह बहुत। तो आप प्रोसेसिंग भी करते हैं, खिड़की दरवाजे बनाते भी हैं? बनाते भी हैं, चिपचिप काटता भी है। हाँ, वो नीचे जो है काटने वाले मशीन है, एक दो ट्राली है, दूसरा ये है। हाँ, मशीनरी इधर है, एक दो तीन चार मशीनरियाँ नीचे। तो वुड कटिंग, वुड प्लानिंग, हाँ सब है। जी जी, बना के भी देता है यहाँ, वहाँ बना हुआ रेडीमेड दरवाजा वगैरह करना पड़ता है हमें। नहीं, मेहनत तो बगैर मेहनत के तो कुछ है ही नहीं ना। जबरदस्त अच्छी जगह है माशाल्लाह। वाह दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ तुर्तुक गांव में, और जैसे कि पिछली बार मेरी मुलाकात हुई थी यहाँ पर अब्दुल करीम साहब से,
आज मेरी मुलाकात है अब्दुल्ला साहब से। अब्दुल करीम साहब जिस मस्जिद में मौजिन हैं वहाँ पर अब्दुल्ला साहब इमाम हैं। अब्दुल्ला साहब, मेरी खुशनसीबी है कि मेरी आपसे तुरतुक में दूसरे आपसे मुलाकात हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलने के लिए। तुरतुक के बारे में और अपने बारे में और इस इलाके के बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया जनाब, जो आपने यहाँ पर एक पूरा बंदोबस्त के साथ कि थोड़ा मेरे और आपके बीच में थोड़ा तारुफ भी हुआ और उसके बाद जो है थोड़ा गुफ्तगु करने का मौका मिला। अभी आपने यहाँ से मेरे लिए कुछ पूछना भी चाहता था, मैं सर आंखों पे आपके मेरे इस्तेदाद के मुताबिक जो है जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ इंशाल्लाह। और अल्लाह से शुक्र करता हूँ कि आपसे मुलाकात का शर्फ हमने हासिल कर लिया। बहुत के बारे में मैंने क्या बोलूँ जनाब, जो कतर से पहले जो हम जो है पाकिस्तानी थे तो उसके बाद जो है यहाँ पर हिंदुस्तानियों ने थंग तक ले लिया, कब्जा कर लिया हिंदुस्तानी फौज ने। तो उसी वक्त जो है मैं कहीं दीनी इदारे में पढ़ने के लिए गए हुए थे जी, जिसका नाम अखवाड़ी था। तो वहाँ पढ़ने के लिए हुआ था, फिर वहाँ पर पढ़ते पढ़ते सर्दियों की छुट्टी काटने के लिए मैं यहाँ पर आया था जी जी, अक्टूबर नवंबर में सरमाई तातीलात चल रहा था जी जी जी। तो मैं यहाँ पर आया था तो हमारा जो है यहाँ पर तो आपस में हिंदुस्तान पाकिस्तान का वो थोड़ा जंग तनाज़ा चल रहा था। हाँ, तनाज़ा चल रहा था और उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया और तुरंत मैं यहाँ पर फंस गया। आज मेरा सरे पड़े पूरी बक्सा जो है वहाँ पर दारुलूम वाड़ी में होगा। यानी आपके तमाम घर जो है पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में 1971 से पहले की बात कर रहा हूँ जी 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 जी। और उसके बाद जो है अब यहाँ पर है, हम अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, है। तो आप उस वक्त आप अकेले यहाँ आ गए थे या आपके घर वाले पूरे वहाँ थे? नहीं, मैं तो अकेला वहाँ पर था, सारा घर वाले यहाँ पर थे। यहाँ थे जी जी, यहाँ थे। तो पढ़ने के लिए मैं वहाँ पर गया जी जी जी। तो उसके बाद जो है फिर यहाँ पर फंस गई, छुट्टी काटने के लिए यहाँ पर आया था जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र कर दिया। और यहाँ पर और मेरा तालीम में भी थोड़ा अधूरा रहा, वहाँ पर चार साल पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर। तो इंशाल्लाह यहाँ पर किसी दीनी अदारे से मैंने पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर हमारा एक मुअल्लिम था उसके पास मैंने पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम की डिग्री मैंने हासिल कर ली, आलिम की डिग्री माशाल्लाह कर ली। और उसके बाद जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, दिन की नस्बत से भी हमें सलाम कलाम करने का मौका मिला, जिस तरह आपसे भी और आपसे भी हमें बात करने का भी मौका मिला, दिन की नस्बत से भी और बरादरी की नस्बत से भी, भाई भाई की नस्बत से भी और पोता पोते की नस्बत से भी आपसे मुलाकात होने का जो है हमें शर्फ हासिल है। अल्लाह ऊपर वाले का मैं शुक्र करता हूँ कि आपसे बात करने का मौका मिला, आपसे बात करने का, आप सबसे बात करने का हमें। अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जाए। मुझे एक चीज़ आपसे ये पूछनी थी कि बच्चियों की तालीम के सिलसिले में इस गाँव में क्या हालात हैं और किस तरीके से उसको किया जाता है, और ज़्यादा आगे तालीम अगर वो हासिल करना चाहें तो उसके क्या मौक़े हैं? जनाब यहाँ पर जो है हमारी तरफ से तअल्लमल इल्मा वअल्लमल फराइज, तालीम हासिल कर लो, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। तालीम हासिल करने की अहमियत पर हमने भी जोर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान करम है, अल्लमल इंसान मालम यालम यालम, इंसान जो है पहले अनजाने से पैदा होता है और उसके बाद जो है एजुकेशन लाइन में पढ़ने की अहमियत पर जोर देता जी जी जी। तो इसलिए हदीस शरीफ में और भी और जगह फरमाया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, मुस्लिम जो है वो तज़कीर की सेगे से वो हुआ जाता है, किया जाता है। मुस्लिमा जो है औरतों की वो तज़कीर तानिस होता है ग्रामर में। तो इसलिए पढ़ाई की अहमियत में दीन की नस्बत से भी अहमियत पर जोर देता है और मुरवाजा तालीम जो है उसकी अहमियत पर भी जी जी जोर देता है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक कॉलेज के लिए हमने एप्लीकेशन दे रखा है और मैं इससे पहले 2013 में यहाँ पर मैं सरपंच भी रहा हूँ माशाल्लाह। ओके, सरपंच भी रहा हूँ, उसी वक्त से लेकर आज तक एक कॉलेज के लिए थोड़ा भाग दौड़ चल रहा है, हमारे बाद में आने वाले वो भी इंशाल्लाह होगा सरपंच इंशाल्लाह। अगर कोशिश करने से तो अल्लाह को हमें पाने का मौका मिलता है, क्या कोई कॉलेज नहीं मिलने की सवाल ही नहीं। लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। कितनी पॉपुलेशन होगी यहाँ की? यहाँ पर जो है तकरीबन 4,000-5,000 की पॉपुलेशन सिर्फ तुर्कमी ही है। अच्छा, 300-400 घराने शायद, मैंने तखमीना बता रहा हूँ, तखमीना। ओके जी, जी। तो इतना तक इंशाल्लाह होगा, बाकी गिरद पेश के मुसलमान जो तकसीम है, थंग में है, चुलुंगा में है, उनको छोड़ के सिर्फ मैं तुर्क की बात कर रहा हूँ। और अभी यहाँ पर जो है एक हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चियाँ भी पढ़ते हैं। तो
इंशाल्लाह वाला जी यह सिलसिला जारी रखेंगे जी जी जी, एजुकेशन लाइन में सब कुछ जारी रखेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, अल्लाह ताला बहुत खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, दुआओं में ख्याल रखिए जी जी। तो ये अब्दुल्ला साहब की जो वर्कशॉप है, फैक्ट्री है, सौ मिल है, वो कुछ इस तरीके की है। ये भी आपका वर्कशॉप है पूरा, यही एक छोटा सा वर्कशॉप है मेरे ख्याल से, सबसे बड़ा है इस गांव में ये, है ना? यहाँ एक पूरा एरिया में यही है बस, यही है हाँ। बड़ा वैसे छोटे मोटे तो है, जबरदस्त है। सलाम वालेकुम, कुछ सड़कें कुछ गलियां आज भी वही पुरानी जो इतने साल पहले थी। कितना दूध देती होगी ये गाय? दूध तो नहीं है, दूध नहीं देती। और ये गेहूं के खेत यहाँ पर बेहतरीन, ये तुरतुक के जो माशाल्लाह बच्चे हैं ना, ये बहुत मुस्कुराते हैं और अच्छी बात है। और एक वो हीरो बैठा है, बहरी कज़ाक, इधर देखो, दोनों इधर देखो, आपको भी नसीब होगा अर्जिया। ऐसी ऐसी जगहें यहाँ पर मौजूद हैं गांव में, काफ़ी पुराना ये गांव है। यहाँ इधर ही हूँ, हाँ कुछ करो यार, लेट्स सी, थक गए। ये घर किसका है ये वाला? हाँ, ये पुराने जमाने की कोल्ड स्टोरेज है और हकीकत में यहाँ ठंडी हवा फील हो रही है। और एक नोटिसेबल बात यह है कि यहाँ छोटे छोटे दरवाजे हैं, छोटे छोटे घर हैं, तो ये सब ठंडा महसूस हो रहा है यहाँ पर, काफ़ी बहुत ठंडा महसूस हो रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक ठंडक, विच इज़ लीडिंग टू दिस। मैंने पहली बार इतने छोटे छोटे दरवाजे देखे हैं, ये हकीकत में कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ अंदर बहुत ठंडा है, ये भी ठंडा है, ये कोल्ड स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता था पूरा, हाँ बिल्कुल ठंडा है। This is the problem with this. The moment you point at them, they think that's the gun. Yeah, yeah. किस कदर हसीन गांव है ये, इसलिए लोग यहाँ खूब आते हैं।